देखो क्या है आपके पास एक्सपेंशन फॉर्मूला। फोर्थ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका इसको प्रूव करना भी आना चाहिए आपको और एज ए रिजल्ट भी याद होना चाहिए आपको। टू प्रूव दैट देखो फर्स्ट क्या है ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होना चाहिए ए डॉट सी ए वेक्टर डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और सी। ठीक है फर्स्ट ये है और सेकंड क्या है ए क्रॉस बी और उसकी फिर क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ अगर करोगे तो किसके इक्वल आएगा ए डॉट सी बी और यहां पर बी डॉट सी और ए। ठीक है ये दोनों आपको एज ए रिजल्ट भी याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में हम दोनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है और प्रूव करने भी आने चाहिए आपको तो एक पार्ट मैं आपको प्रूव करके दिखा देती हूँ। देखो लेट ए वेक्टर को मैंने क्या ले लिया ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप क्यों ले लूं जो क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में क्या है आपका आपको बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा और जो भी आया फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करनी पड़ेगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना तो उसके लिए ये तो है ही आपको इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है तो आप ये देखोगे ना ए वेक्टर आपके पास क्या है ए वन आई कैप ताकि आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसको सोल्व कर सको बी क्रॉस सी को है ना तो यहाँ से क्या करोगे ए वेक्टर तो ये ले लिया बी वेक्टर क्या लिया मैंने बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप और सी वेक्टर लिया बच्चों सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। अब देखो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो एक बार राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो अगर दोनों इक्वल आ गई तो हो गया प्रूफ। ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगी मैं देखो क्या क्या निकालो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालोगे बच्चों तो किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के और यहाँ पर क्या आएगा जो बी वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो बी वन बी टू और बी थ्री। थर्ड रो में क्या आएगा सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो सी वन सी टू सी थ्री इसको सोल्व कर लो सोल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी आई कैप ठीक है फिर माइनस जे कैप में पीछे लिख दूंगी यहां से बी वन सी थ्री और माइनस बी थ्री सी वन जे कैप ठीक है फिर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन के। अब इस माइनस का अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर ठीक है बी क्रॉस सी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना था लेफ्ट साइड में ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए वेक्टर मैंने ये मान रखा है बी क्रॉस सी मैंने निकाल दिया है तो आप फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो क्रॉस प्रोडक्ट आप फिर से करोगे तो क्या आएगा देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे ए वन ए टू ए थ्री। अब बी क्रॉस सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे थर्ड रो ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पर
बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू। यहाँ पर क्या आया बच्चों, बी थ्री सी वन माइनस बी वन सी थ्री, और यहाँ पर क्या आएगा बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। इसका डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, क्या आ जाएगा आपके पास। देखो ए टू की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, ए टू बी वन सी टू माइनस ए टू बी टू सी वन, ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर साथ में क्या आएगा आई कैप, है ना। डिटरमिनेंट ही तो सोल्व करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके इक्वल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए टू बी वन सी टू माइनस ए टू बी टू सी वन, ठीक है, फिर माइनस ए थ्री बी थ्री सी वन ए थ्री बी थ्री सी वन, और फिर माइनस ए थ्री बी वन सी थ्री माइनस ए थ्री बी वन सी थ्री, ठीक है। इस माइनस को भी अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊं तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, है ना, तो ये टर्म तो होगी आपकी माइनस की होगी होगी, और साथ में क्या आएगा आई कैप, ठीक है। डिटरमिनेंट सोल्व कर लूँ बेटा, फिर माइनस जे कैप, जे कैप को मैं बाद में लिख दूँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए वन की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस ए थ्री की मल्टीप्लाई इसके साथ, साथ में जे कैप, ठीक, यहाँ से आएगा माइनस ए वन बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू सी वन, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए थ्री बी टू सी थ्री माइनस ए थ्री बी थ्री सी, ठीक है। ये देखो अगर ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगे साइन को तो ये टर्म माइनस की होगी और ये टर्म, ठीक है, और साथ में था जे के। अब इस माइनस को भी मैं अंदर लेके जा रही हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस और ये माइनस और ये पहले भी, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस यहां से करोगे तो ए वन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। ए वन की करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए वन बी थ्री सी वन माइनस ए वन बी वन सी थ्री, ठीक है, फिर माइनस ए टू बी टू सी थ्री माइनस ए टू बी थ्री सी, और साथ में ए, ये आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगी तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, ये आ गया आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड, जब आपने सोल्व की बी क्रॉस सी निकाला पहले और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकाली तो इसके इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे राइट हैंड साइड सोल्व कर लो, अगर राइट हैंड साइड सोल्व किया और इसी के इक्वल आ गया तो हो गया आपको, ए ए डॉट
सी की क्या वैल्यू आएगी बच्चों? अब मैं राइट हैंड साइड लेके चल रही हूँ फर्स्ट, तो देखो इसके लिए मुझे ए डॉट सी और ए डॉट बी निकालना पड़ेगा पहले। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा बताओ? ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, यहाँ से इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, ठीक है? तो यहाँ से ए टू बी टू आ गया प्लस ए थ्री बी थ्री आ गया। फिर आपको क्या निकालना है देखो, ए डॉट सी, तो ए डॉट सी किसके इक्वल आएगा? ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, ठीक है? अब आपको क्या करना है, ए डॉट सी की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ डॉट प्रोडक्ट करनी है या क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ठीक है? क्योंकि ये तो एक स्केलर आ गया ना, और स्केलर की डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ हम कर ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं है, है ना? तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ किसकी वैल्यू, ए डॉट सी और बी वेक्टर। ए डॉट सी क्या है हमारा? ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, और बी वेक्टर क्या है बच्चों? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k, यही है। देखो किसके इक्वल आएगा, पहले मैं i कैप के साथ कर लेती हूँ दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा a1 b1 c1 फिर प्लस a2 b1 c2 फिर प्लस a3 b1 C3 और साथ में आई, फिर प्लस, फिर इस टर्म के साथ कर लेती हूँ सबकी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा ए वन बी टू सी वन, ए वन बी टू सी वन, फिर बच्चों ए टू बी टू सी टू, फिर प्लस ए थ्री बी टू सी थ्री और साथ में जे, ठीक है? फिर प्लस, फिर हम इस टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए वन बी थ्री सी वन, ए वन बी थ्री सी वन, फिर प्लस ए टू बी थ्री सी टू, फिर प्लस क्या आएगा बताओ? ए थ्री बी थ्री सी थ्री और साथ में आएगा जो एक, ठीक है? ये निकाल लिया आपने ए डॉट सी और बी वेक्टर, है ना? अब आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? तो देखो यहाँ से जब मैं वैल्यू निकाल लूंगी किसकी, ए डॉट बी और सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा? देखो ए डॉट बी आया हुआ है बच्चों, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और सी वेक्टर हमारे पास है सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ये कर लो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, पहले इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई मैं इस टर्म के साथ कर रही हूँ, तो आपके पास आएगा ए वन बी वन सी वन प्लस ए टू बी टू C1 प्लस A3 B3 C1 और साथ में I है, फिर प्लस इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई मैं इस टर्म के साथ कर रही हूँ, तो क्या आएगा A1 B1 C2 प्लस A2 B2 C2 प्लस A3 B3 C3 और साथ में J है, फिर प्लस इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई जब मैं इस टर्म के साथ करूंगी तो क्या आएगा आपके पास बताओ? ए वन बी वन सी थ्री प्लस ए टू बी टू सी थ्री प्लस ए थ्री बी थ्री सी थ्री और साथ में ये निकाल दिया, ठीक है? अब राइट हैंड साइड में तो क्या था बच्चों? ये टर्म माइनस ये, है ना? सब्ट्रैक्ट करना है आपको,
आपने ये वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू निकाल ली, सब्ट्रैक्ट कर दो। आप अलग से कर देना, मैं ये करके दिखा देती हूँ। तो देखना ये आपके पास है। ये माइनस हो जाएगा, ये तीनों टर्म्स नेगेटिव होंगे, है ना? ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यही आएगा बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, आई कैप वाली टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ए वन बी वन सी वन प्लस ये माइनस की टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा आपके पास, ए टू बी वन सी टू प्लस ए थ्री बी वन सी थ्री माइनस ए टू बी टू सी वन माइनस ए थ्री बी थ्री सी वन और साथ में एच ओ आई, ठीक है। फिर यहां से जे कैप वाली टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ए टू बी टू सी टू प्लस और ये माइनस की टर्म है, कैंसिल हो गई, है ना? तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा बताओ, प्लस ए वन बी टू सी वन प्लस ए थ्री बी टू सी थ्री माइनस ए वन बी वन सी टू और माइनस ए थ्री बी थ्री सी टू और ये आ जाएगा जे, ठीक है। फिर इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना ए थ्री बी थ्री सी थ्री प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, प्लस ए वन बी थ्री सी वन फिर प्लस ए टू बी थ्री सी टू फिर आएगा माइनस ए वन बी वन सी थ्री माइनस ए टू बी टू सी थ्री और साथ में आएगा बच्चों के। अब आप देख लो ये वैल्यू जो आपने निकाली है ये और ये वैल्यू निकाली है, क्या दोनों इक्वल है? चेक कर रहे अगर किसी बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट करनी आती है और डॉट प्रोडक्ट करनी आती है तो नया कंसेप्ट था ही नहीं, कुछ नया किया मैंने यहाँ पर, क्या किया है बी क्रॉस सी जो कि आप 11 12 से पढ़ते आ रहे हो, फिर ये निकाल के ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लिया, वो भी आता है आपको निकालना। राइट साइड में मैंने क्या किया बच्चों, ए डॉट सी वो भी आता है निकालना आपको, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी उसकी, फिर आपने क्या किया a डॉट b निकाला, a डॉट b की मल्टीप्लाई c वेक्टर के साथ कर दी, है ना, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ नया तो था ही नहीं। इसी तरह से आपको ये सेकंड इसका प्रूफ कर लूंगी, इस तरह से करना है। देखो ये है ना आपको एज रिजल्ट भी याद होनी चाहिए, उसके बाद है इनको याद कैसे करोगे आप, याद कैसे रखोगे वो ट्रिक बता रखी है। देखो आपके पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी, याद कैसे रखोगे बच्चों,
तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ठीक है। पहले बी क्रॉस सी की प्रोडक्ट कर रखी है और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल रखा है। तो ये जो बी वेक्टर है ना, इसको तो एज इट इज रख लो। देखो बी क्रॉस सी, इसमें पहले कौन सा वेक्टर है? सिर्फ बी क्रॉस सी में, बी क्रॉस सी में बी वेक्टर है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बी वेक्टर ही आएगा। फिर यहाँ पर सी वेक्टर है, तो यहाँ पर आपके पास सी वेक्टर ही आएगा। बाकी जो टर्म्स बच गई उनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो साथ में, लेकिन ऑर्डर में। यहाँ पर ए और सी है तो ए डॉट सी, फिर अगर आपने यहाँ पर सी लिख दिया तो क्या बच गया? ए और बी, तो यहाँ पर लिख दो ए डॉट बी और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड रिजल्ट को भी याद कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो बाई एन एग्जाम्पल दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू। तो कितने भी एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों आप। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है बाय शो बाय एन एग्जाम्पल कोई भी सी वेक्टर ले लो आप, कुछ भी है ना। एक पर्टिकुलर केस में ही होता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं होते। आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले लो। देखो ए वेक्टर क्या लेके चलोगे, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, बी वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और सी वेक्टर थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और प्लस फाइव के कैप। सॉल्व करके देख लेना, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो उससे जो ये है आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो अभी आपने सिर्फ रिजल्ट पढ़े हैं ना, एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, तो उनका यूज कर सकते हो आप। तो उनका यूज करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी बताओ, क्या वैल्यू आएगी? लिखी हुई है तुम्हारे सामने ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी वेक्टर ऑफ सी, फिर प्लस यहाँ पर वैल्यू लिखोगे तो अभी मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पर आ जाएगा सी वेक्टर, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर। अब सी के अलावा कौन कौन बचे हैं? बी डॉट ए और यहाँ पर बी डॉट सी, ठीक है। फिर प्लस इसकी वैल्यू जब लिखोगे तो यहाँ से ए वेक्टर और फिर माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सी डॉट बी और यहाँ पे क्या आएगा? सी डॉट ए। देख लो अब ये किसके इक्वल आ रहे हैं, ए डॉट सी बी, ये टर्म कहीं और दिख रही है, ये रही। आप ए डॉट सी निकाल लो या सी डॉट ए निकाल, स्केलर क्वांटिटी तो है। ए डॉट सी निकाल लो या फिर सी डॉट ए निकाल। ए डॉट सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, और सी डॉट ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा? सी वन ए वन प्लस सी टू ए टू प्लस सी थ्री ए थ्री, दोनों इक्वल ही तो है। तो यहाँ से इससे ये टर्म कैंसिल होगी, फिर ये ए डॉट बी है नेगेटिव वाली टर्म है, यहाँ पर बी डॉट ए है, दोनों इक्वल ही है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इफ ए बी सी आपके पास तीन वेक्टर गिवन है
और फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्रॉस सी. ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. और सी वेक्टर गिवन है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है a क्रॉस b क्रॉस c. तो निकाल सकते हो आप ये वैल्यू. निकाल लोगे रिजल्ट पता है आपको क्या रिजल्ट है. a डॉट c b माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर. यहां से ए डॉट सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 4 और इसकी मल्टीप्लाई बी वेक्टर के साथ कर देना माइनस के वेक्टर. फिर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 4 तो 5 माइनस 4 और साथ में सी वेक्टर जो दे रखा है वो कर लोगे इसको सॉल्व. अब इससे आगे पूछ रखा है एंड वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो ये वेक्टर आएगा ना आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के भी और बी क्रॉस सी के. ठीक है ये जो वेक्टर आएगा बच्चों ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस ए वेक्टर के भी और बी क्रॉस सी वेक्टर के भी. ये तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था और वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर है. तो मैंने बता रखा है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर. ये आपको कर वेरीफाई करके दिखाना है. तो वेरीफाई करके दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं नॉन जीरो है दोनों. दो नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे जब दोनों के बीच का एंगल 90 बने है ना. और 90 बनेगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो आनी चाहिए. दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई तो आप बोल दोगे कि दोनों वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं. तो यहाँ से क्या निकाल देना ये जो वेक्टर आया है ना इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देना बच्चों किसके साथ ए के साथ. कर लोगे डॉट प्रोडक्ट वो अगर आगे जीरो तो बोल देना ये वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है आपके. फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ. अगर ये जीरो आ गया तो बोल देना ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है. कर लोगे एक्सरसाइज देखो एक बार. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी तीन वेक्टर गिवन है आपके पास. देखो मैं इसी से बताऊंगी तीन वेक्टर मान लिया ये है आपके पास ए बी सी और आपको निकालना है बच्चों ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका मैग्नीट्यूड ये फाइंड आउट करना है आपको. तो देखो एक रिजल्ट तो ये था और दूसरा रिजल्ट ये था. रिजल्ट का यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. ये वैल्यू निकाल के जो भी वेक्टर आया आपके पास उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें कर लोगे. सेकंड है आपके पास वेरीफाई दैट. आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि मान लो यही वेक्टर दे दिया आपको और आपको ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके इक्वल होते हैं. तो वेरीफाई कैसे करोगे प्रूव तो हम कर चुके हैं ना. वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो. सोल्व कर लोगे लेफ्ट हैंड साइड ये तीन वेक्टर गिवन है. फिर राइट हैंड साइड सोल्व करो दोनों इक्वल आ गए तो बोल देना दिस इज इक्वल. सेकंड के चार पार्ट हैं तीन पार्ट हैं तीनों ऐसे ही होंगे. फिर थर्ड है ए बी सी तीन वेक्टर गिवन है आपके पास. आपको ये वैल्यू निकालनी है एक तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और एक ये वैल्यू निकालनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ये दिखाना है दीज आर नॉट सेम. जब आप वैल्यूज निकाल लोगे ना तो आप देखोगे जो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चों उसमें जब आप ये वैल्यू निकालोगे और फिर ये वैल्यू निकालोगे तो दोनों इक्वल नहीं आएगी. वहां से बोल देना कि इक्वल नहीं कर लोगे. फोर्थ है आपके पास बच्चों
फोर्थ है आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो जे देखो आई कैप क्रॉस ये किसके इक्वल होता है, आई कैप के, और आई कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल होता है, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, आई कैप डॉट आई कैप होता है बच्चों वन, और आई कैप क्रॉस आई कैप होता है जीरो, क्योंकि जो एंगल बनेगा ना आई कैप और आई कैप के बीच वो जीरो एंगल बनेगा, और जीरो बनेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन जीरो जीरो हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट में कॉस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो अपने आप ही बन, तो यहां से ये आ गया जीरो, ये था फोर्थ, यही कर लेगा।